उनके गले में डाली है काली घोड़े की नाल की अंगूठी। युवाओं में काफी जोश है। आप नीचे जाओ, नीचे दो भाई, साइड से जाओ। अबे ड्राइंग के लिए बना रहे भाई, वीडियो बनाओ। बताऊंगा भैया, एक मिनट। हाँ कांवड़ यात्रा ने दिल्ली की रफ्तार पर लगा दिया है ब्रेक। कांवड़ यात्रा की वजह से यूपी गेट से लेकर अक्षरधाम तक लंबा जाम लगा हुआ है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा की वजह से दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद में आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा और कांवड़ कैंप की वजह से कुछ रूट बदले गए हैं, जबकि अन्य सभी जगहों पर। टीवी खोलिए, एकदम से नजर आता है कांवड़ का कोहराम या ऐसी ही राइम करती हुई हेडलाइंस। सावन का महीना होता है और पूरी दिल्ली और ऐसे ही कई बड़े शहर कांवड़ियों के डर से कांपने लगते हैं। उन्हें डर कांवड़ियों का होता है या ट्रैफिक जाम का, राम जाने। पर अपने राम इतना जानते हैं कि ये कहानी का एक पहलू है, सिक्का एक तरफ का देखा जा रहा है। कांवड़ियों के दिमाग में क्या चलता है, उनकी फैमिली वालों के दिमाग में क्या चलता है, जब वो सड़क पे दौड़ रहे हैं, पसीने में लथपथ हैं, नंगे पैर खड़े हुए हैं, ये जानने के लिए हमें लगा कि कांवड़िया बनना जरूरी है। तो हमें लगा कि एक एक्सपीरियंशियल वीडियो बनाते हैं और विशाल जो मेरी टीम के मेंबर हैं वो इसके लिए राजी हो गए हैं। विशाल, आप भोले बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। भोले भाले भोले होंगे या सड़कों पे आतंक मचाने वाले भोले होंगे? नहीं नहीं नहीं, भोले भाले वाले भोले। तो अब ये भोले होंगे और होगा ललन टॉप का कैमरा। चलिए इस सफर पर चलते हैं इस भोले की नजर से। ये सभी भोले हैं। शिव भक्त होने की वजह से ये एक दूसरे को भोले कहकर बुलाते हैं। ये लोग अपने अपने घरों से जल लेने गंगा किनारे जाते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि सावन में शिव ने विष पिया था, जिसके बाद उन्हें ठंडा रखने के लिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। भगवा कपड़े पहने ये कांवड़िए लोगों को इतने अलग लगते हैं कि कई बार बाकी लोगों के साथ इनका झगड़ा हो जाता है। इन्हें करीब से जानने के लिए हमारी टीम इनके साथ कांवड़ यात्रा पर जा रही है। जल चढ़ाने टाइम कितना है आज? 11:30। 9:15। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा सफर हरिद्वार तक जाएगा, तो चलो नहा लो। स्नान हो चुका है और अब हम भी भोले के भेष में आ गए हैं। भोले भोले, कई तरह के कांवड़ होते हैं। एक तो होते हैं जो पूरा तल्लीन महीने भर का समय लेके जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें डाक कांवड़ कहा जाता है, इनको 24 घंटे के अंदर जल लेकर वापस आना होता है। तो ये हमारा सफर यहाँ से शुरू हुआ है और अब ये सफर हम लोग साथ में तय करेंगे। आइए। हरिद्वार के रास्ते में हमें कांवड़ियों का एक ग्रुप मिला। हम काफ़ी देर तक उनके साथ ट्रक में बैठे रहे। जब बोर होने लगे तो ट्रक के ऊपर आ गए। यहाँ बैठे भोले कैलाश खेर का गाना बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। हम भी बम 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 करते हुए इनके साथ हो लिए। लकड़ी और कपड़ों से सजी ये रंग बिरंगी चीज ही कांवड़ है। कांवड़िए इसे हरिद्वार में खरीदते हैं, कुछ इसे गंगा में विसर्जित कर देते हैं, कुछ मंदिर में चढ़ाते हैं और कुछ वापस अपने साथ घर लिए जाते हैं। हमने भी एक कांवड़ खरीद ली है। भोले पहुंच गए हैं हरिद्वार। यहां पर सबसे पहले कांवड़ खरीदेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे हर की पौड़ी जल लेने के लिए। पुष्पेन जी से ये कांवड़ हम लोगों ने ले ली है। ये बता रहे हैं कि ये यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली तक जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने, बाकी के दिनों में, बाकी के पूरे साल सावन में यहाँ आते हैं। लोग आते हैं दूर दूर से इनके पास कांवड़ खरीदने, यहाँ सबसे बड़ा बिजनेस है उत्तराखंड में। ये यहाँ सावन खत्म होने के बाद वापस चले जाएंगे और हम अभी अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह को चला था, रात हो गई है, अभी थक गया हूँ।
लेकिन एक एक्साइटमेंट ये भी है कि यहाँ से कुछ ही दूर हर की पौड़ी है जहाँ से हमें गंगा जल मिलेगा। ये गंगा है, पतित पावनी गंगा। हिंदू इसे माँ का दर्जा देते हैं। गंगोत्री से निकलने के बाद ये हरिद्वार में ही सुलभ होती है। कांवड़ियों के पड़ाव के साथ साथ हरिद्वार के घाट सुकून के घाट हैं। इन तेज बहती लहरों के किनारे बैठना जीवन की हर शून्यता भर देता है। दुनिया बाजार होती जा रही है, इसका असर हरिद्वार में भी दिखता है। पर जीवन तो फिर भी जीवन है, खुशी तो फिर भी खुशी है। हम अपना कांवड़ यही गंगा में विसर्जित कर देंगे। गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही दिन भर की थकान दूर हो गई है। हमने गंगा जल भर लिया है और अभी सोने जा रहे हैं। कल लंबा सफर तय करना है। सुबह हो गई है। रात में कांवड़ियों का एक ग्रुप मिला। हमने सोने की जगह मांगी और उन्होंने ट्रक की तरफ इशारा कर दिया। हमारा सफर शुरू हो गया है। कांवड़िये मदद करने में पीछे नहीं रहते। ये अपना राशन साथ लाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं और मुझ जैसा कोई मिल जाए तो उसे भी खिला देते हैं। भोले को चाय मिल चुकी है यहाँ पर, और भी ढेर सारे लोग हैं, ये भले आदमी हैं, यहाँ पर चाय पिला रहे हैं। बेहतर है, बहुत बेहतर है। वैसे हमारे अंदर भोली के बारे में भी जानने की उत्सुकता थी। लड़कियां शिव के लिए 16 सोमवार जैसे व्रत रखती हैं, लेकिन कांवड़ में बहुत कम दिखती हैं। हमें एक ग्रुप दिखा जिसमें ढेर सारी महिलाएं थीं, तो हम तुरंत उनके पास पहुंच गए। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पे जितने आदमी लोग हैं उन सबको भोले कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी जाता है उसको कोई संबोधक, किसी का कोई नाम आम नहीं बुलाता है, सब भोले भोले कह के बुलाते हैं। महिलाओं में आप लोग आपस में क्या नाम बुलाती हैं? यहाँ भोली कहती हैं यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को। तो ये लोग अगर डीजे वगैरह तैयार करते हैं तो आप लोग क्या क्या करते हैं? खाने की सामान, कपड़ों की पैकिंग करते हैं। अच्छा घरेलू वाला हिसाब किताब पूरा आपके पास रहता है? ना भी होगा पास, किसी से लाना पड़ा है कि कहीं से। हरिद्वार में सुबह हुई, अच्छी सुबह हुई, मौसम अच्छा था, धूप कम थी, अच्छा लग रहा था। भोले की एक मंडली मिली, बरेली से लोग आए हुए थे, उन्होंने नाश्ता कराया। दिलल्लन टॉप का ये कारवां, दिलल्लन टॉप का ये भोले अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। गंगा जल मेरे पास है, कांवड़ हमने यहीं पर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया है। हमारा अगला पड़ाव होगा देवबंद। यहाँ मनकेश्वर महादेव मंदिर है जिसकी कहानी खूब फेमस है, और कहानी सुनना तो हमें और आप दोनों को पसंद है। मैं डाक कांवड़ में नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगातार भागने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग बागपत के पूरा महादेव मंदिर में जाएंगे, वहां पर जाकर जल चढ़ाएंगे, जैसा कि पश्चिमी यूपी के अधिकतर कांवड़िए, अधिकतर श्रद्धालु करते हैं। लेकिन फिर हमें पता चला कि देवबंद में भी एक महादेव का मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। जो लोग बागपत या मेरठ वगैरह नहीं जाते हैं वो लोग यहाँ पर आकर गंगा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। क्या कहानी है इस मंदिर की?
ये कई सौ साल पहले यहाँ के जो मोमडनों की जमीन थी ये, और उसमें से जो है ना भोले बाबा के शिवलिंग बाहर निकले थे। अच्छा, पहले उन्होंने क्या करा कि फावड़े से उसमें तोड़फोड़ की, तोड़फोड़ करने के बाद भोले शंकर जी उनके सपने में आए, सपने में आने के बाद बोला ये जमीन मंदिर के लिए दान कर दो और यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। तो उन लोगों ने 40 बीघा जमीन लगभग हिंदुओं को दान कर दी थी, और फिर इसमें जो है नाम उसी तरीके से भव्य मंदिर, ये जो पूरा मार्केट है और ये मंदिर वगैरह सारी चीजें उसी एरिया में, और ये कई सौ साल से जो लगातार चला है। यहाँ पर मेन जो पूजा होती है वो भोले शंकर के शिवलिंग की होती है, शिवलिंग की होती है। वो शिवलिंग में कटे हुए का निशान है, और लोगों की कहावत है जो बड़े लोग चले आ रहे हैं कि हर सावन में शिवलिंग कुछ ऊंचाई ले लेता है यहाँ पर, इसी वजह से इसे सिद्धपीठ माना गया है। बोले बोले रास्ता खाली, रास्ता खाली करके बोले। यहाँ पर लोगों से पूछा तो पता चला कि वो पहले बागपत जाते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ पर हम लोग पूजा पूरी कर चुके हैं और अब हमारा अगला पड़ाव है देव मंदिर, वहाँ पर हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। देवबंद के बाद हमारा अगला पड़ाव है बागपत। यहाँ पूरा महादेव नाम का एक मंदिर है जहाँ लाखों कांवड़िए शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। हमें भी यहीं जल चढ़ाना है। बागपत में खूब रौनक है। एक पुलिस वाले से बात की तो उसने बताया कि आज यहाँ लाखों कांवड़िए आए हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हरिद्वार से। हरिद्वार से, और उससे पहले कहाँ से चले थे? मेरठ से। मेरठ से, मेरठ के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो कब कितनी बार हो गया आते जाते? ये कितनी बार आ रहे हैं आप? 5 बार हो गया। अच्छा, यहीं आते हैं? अच्छा, यहाँ पर हमारा गाँव है पास में। अच्छा, रहते हैं हम मेरठ ही। मेरठ में रहने वाले हैं। अच्छा, ये कितने साल का है? 7 साल का है। इनको पहली बार लाए हैं? ये पहली बार है। पहली बार आए हैं। कोई दिक्कत हुई यहाँ से हरिद्वार ले गए फिर वापस नंगे पैर चल रहे हैं? नंगे पैर। अच्छा, ये नंगे पैर क्यों, कोई खास वजह या क्या? नहीं, बस अपने मन की श्रद्धा है। श्रद्धा वाली बात है। दुनिया की सभी चीजें या तो राजनीति से चलती हैं या धर्म से। इस साल कांवड़ यात्रा में हमें ये दोनों चीजें आपस में गुथी हुई दिखी। शिव के प्रति अगाध श्रद्धा में कब योगी आदित्यनाथ ने सेंध मार दी पता ही नहीं चला। इन भाई साहब की टी शर्ट हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगी। आगे भोलेनाथ बने हुए हैं, इनके पास गंगा जल है, हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं, और इनकी टी शर्ट के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छपे हुए हैं। भाई साहब, ये टी शर्ट कहाँ से मिली आपको? बेगमपुर से, मेरठ बेगमपुर पे खरीदी थी। यहाँ हमने देखा और भी कई सारे लोग ऐसा पहन के घूम रहे थे, तो पसंद है या ऐसे ही पहन ली? पसंद है। पसंद है योगी आदित्यनाथ, क्या पसंद आया? योगी आदित्यनाथ का यही वर्क, वर्क जी, वर्क और वर्क। अच्छा, कार्य क्या है अभी तक? अच्छा जी, है। अच्छा, उनकी तरफ से चीजें आपको लगता है कि ठीक हो रही है? भक्त है इसलिए, उनके भक्त है इसलिए आप उनके भक्त हैं। भगत सिंह इसमें घुले तो नहीं, लेकिन दूर खड़े जरूर दिखते हैं। कांवड़िए शान से उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट दिखाते हैं और फिर दम लगाते हैं। अब तक भगवा झंडे लेकर चलने वाले कांवड़िए इस साल तिरंगे लेकर चल रहे हैं। पूछने पर कहते हैं अपनी अपनी मर्जी है। आज अब हम लोग आखिरी दिन यहाँ पर मंदिर के बाहर लगी हुई लाइन में खड़े हैं। पूरा महादेव इस मंदिर का नाम है। 3 दिन दौड़ने के बाद जब आप यहाँ इस लंबी भीड़ में खड़े हों तब पता चलता है कि लोगों की आस्था क्या है। यहाँ मेरे आगे अभी करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन और लगी हुई है, पीछे भी लगभग आधा किलोमीटर लोग और बढ़ चुके हैं।
यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ धूप में। मेरे पास एक सहूलियत है कि मैं चप्पल पहने खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं ये इस धूप में इस गर्म सड़क पर नंगे पैर खड़े हैं। ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर से इस तरह खड़े हुए हैं, लेकिन ये चल रहा है। यही यही आस्था है, यही भोले हैं, यही कांवड़ है। और भैया घुंघरू बांधने के पीछे क्या कारण है? घुंघरू बांधने थोड़ी इधर इधर बताएंगे। ये घुंघरू बढ़िया लगते हैं यहाँ पे, देखा और भी कई सारे लोग घुंघरू बांधते हैं। भोले की पकते हैं, तेते चलते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं पूरा महादेव मंदिर से बाहर आ गया हूँ। अंदर सैकड़ों की भीड़ जल चढ़ा रही थी और शिवलिंग को निहारते न जाने कब मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हो गया। मंदिर से निकलते ही सारे कांवड़िए सूरज की बिखरी किरणों की तरह दिखने लगे। सबके ठिकाने अलग अलग हैं, पर जो एक डोर इन्हें साथ बांधे हुए है वो है आस्था। ये जो मेरे पीछे से लोग आपको चलते आते दिखाई दे रहे हैं इन कांवड़ों के साथ, ये अपने घरों को जा रहे हैं। कोई मेरठ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, ये सब इनका सफ़र ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों का सफ़र भी ख़त्म हो चुका है। गमछा लपेटे वो लड़का जो आपको दिख रहा है ना, वो हम ही हैं। और हाँ, आपको डीजे के बारे में तो बताना ही भूल गए। यहाँ आने वाले भोले चलते फिरते डीजे हैं, जिन्हें नाचते देखकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हम भी इनके साथ धीरे धीरे नाच रहे थे, लेकिन तभी हमारे डायरेक्टर साहब आए और बोले, नाचना ही है तो जरा ढंग से नाचो। और फिर हम हो गए शुरू। आपके प्यारे दुलारे दोस्त लल्लन ने आपके लिए ये सफ़र तय किया, इसमें हमको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लल्लन टॉप आपके लिए आगे भी इस तरह के सफ़र तय करता रहेगा, ताकि आपके और दुनिया की बाकी चीज़ों के बीच में दूरी कम होती रहे।